हाय गाइस, नमस्कार, बोंजूर और वेलकम है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रैवलिंग टूर पे ले जाऊंगी स्पेन में। फर्स्ट टाइम मैं पेरिस से स्पेन गई हूँ, बार्सिलोना गई थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। मेरी इच्छा तो नहीं थी पेरिस वापस आने की, पर पेरिस भी बहुत खूबसूरत है। तो मेरे साथ ये वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आप पेरिस में हैं या आपका शेंगन वीज़ा है तो आपको बार्सिलोना जरूर जाना चाहिए। Have fun. और ये जो आप अभी देख रहे हो, ये है पार्क गुएल, बार्सिलोना में बहुत फेमस है। और फर्स्ट डे मैं यहीं गई थी। मैं बताया गया था कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, थोड़ी सी दूर है, एंड इट्स गुड टू गो इन अर्ली मॉर्निंग, और फिर उसके बाद आप पूरा दिन यू नो स्पेंड कर सकते हो बार्सिलोना की सिटी में। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, और मैं चली गई अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करते हुए अकेले। और यहाँ तक जाने में मुझे अराउंड 45 मिनट्स लगी। वहाँ जाके 10 या 12 यूरोस की टिकट होती है, जो आप ऑनलाइन पहले से ही परचेज कर सकते हो या फिर वहाँ जाकर खरीद सकते हो। लुक्ड मोर लाइक जैसे सेंचुरी होती ना, कहीं पे वाटर फाउंटेन होता है, कहीं पे डिफरेंट टाइप की आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स होती है, डिफरेंट शेप्स एंड अलग अलग तरह के यू नो मॉन्यूमेंट्स टाइप पार्क के अंदर ही। तो ये ऐसी जगह थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये काफ़ी प्राइवेटाइज्ड पार्क आप बोल सकते हो। ऐसे कोई ओपन नहीं है कि हर कोई नहीं आ सकता है, यू नो फ्रीली आप एंटर नहीं हो सकते हो। एंड ये काफ़ी पुराना है, ये बनाया है 1914 में, 1914 के टाइम पे बनाया है, और बहुत ही अच्छा है। यहाँ से आपको बार्सिलोना की पूरी सिटी दिखेगी, आपको जो चर्च है फेमस अल्ला साग्रादा फामिलिया, ये भी दिखेगा। इसको ज़रूर विजिट करो अगर आप बार्सिलोना में हैं, तो ये तो मस्ट आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। मुझे ये शॉप जो आप देख रहे हो बहुत अच्छी लगी, तो मैं यहाँ से ये उठा के लाई हूँ और ये उठा के लाई हूँ। तो चिन चिन। और ये रहा आपका सभी का फेवरेट साग्रादा फामिलिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर है इस चर्च का। ये एक चर्च है जो 1882 से बन ही रहा है, और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका जो आर्किटेक्ट था उनका नाम है एंटोनी गाउडी, की द्वारा बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं उस सिमिलर स्ट्रीट्स पे, जो बहुत ही फेमस है। अब ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हो, अगर आप में से कोई भी पेरिस आ चुका है या पेरिस में रहता है, और आप शांज़लीज़े जिस स्ट्रीट पे आपको आर्क द ट्रायंफ, जो पेरिस गेट इंडिया गेट जैसा है, वो जो आपको दिखेगा, वो और ये वाला स्ट्रीट ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है। ये है पीबी डाबो, द हाईएस्ट पीक बार्सिलोना में। पूरी बार्सिलोना सिटी आपको इसमें इधर से दिख सकती है। आपको शायद दूर वो जो हम अभी पार्क गुएल में जहाँ जाकर आई थी फर्स्ट डे में, वो भी दिखेगा। और यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क भी है। वहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है जो है मिलिट्री कासल, जहाँ से जो मिलिट्री फोर्स है बार्सिलोना की, स्पेन की, वो हर जगह अपनी नज़र बनाए रखती थी। सो इस कासल का नाम है मोंट जुइक। बहुत ही अच्छा है, एकदम सिंपल,
से आपको सिटी दिखेगी, चारों कोने जो आप सुपरवाइज कर सकते हो सिटी का, वो आप पूरा यहाँ से इस कासल पे से कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा मेंटेन करा गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी भी यहाँ पे तोपे पड़ी हुई हैं, देखने लायक, इट्स गुड। यहाँ पर भी आप बस से जा सकते हो, आप केबल लाइंस भी ले सकते हो, और उतरने के लिए आप वॉक करके आ सकते हो वापस। 25 to 30 minutes लगते हैं, एंड जैसे ही आप प्रॉपर सिटी में पहुंचेंगे तो आपको मेट्रोज और बसेस सब मिल जाएंगी, तो इट्स नॉट वेरी फार प्लेस टू गो, आप ज़रूर चेक करिए इसको, ठीक है। हम आ गए हैं इंडिया गेट, नो आर्क द ट्रायंफ, यस। तो पेरिस में भी आर्क द ट्रायंफ है, एंट्रेंस गेट है बार्सिलोना का, और ये आईफिल टावर के एक साल पहले बन चुका था। अच्छा गेट है, अच्छा स्ट्रीट है, क्यूट सा एक यू नो वॉकिंग स्ट्रीट है कुछ मीटर्स का। गेट से एंटर हो गए हैं, और गेट से एंटर होने के बाद हम एक पार्क में जाते हैं, और इस पार्क का नाम है पार्क द ला सिटुआ देला, आई होप दैट्स राइट। इट्स वन ऑफ द ग्रीनेस्ट पार्क मैंने जो बार्सिलोना में देखा। बार्सिलोना काफ़ी ग्रीन है कंपेयर टू पेरिस, एंड अच्छी जगह है, क्यूट सी है, वाटर फाउंटेन टाइप है, छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है, आप आइसक्रीम खा सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो, पिकनिक मना सकते हो, सिमिलर टू द पार्क जो आपको पेरिस में या दूसरी कोई भी सिटी में दिखेंगे, बट बहुत ही क्यूट है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये द फेमस आर्किटेक्ट जिनका नाम है एंटोनी गाउडी, उन्होंने बनाया था, और जिसने साग्रादा फैमिलिया भी बनाया है, क्योंकि इसकी टिकट बहुत महंगी थी, 45 या 49 यूरोस, जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करने वाली हूँ। ये अगर आप लोग जा रहे हैं मैड्रिड या बार्सिलोना तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जिस हॉस्टल में मैं थी ये था हॉस्टल 1 सेंट SANTS, जो स्टेशन था बार्सिलोना सेंट। इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि फर्स्ट यहाँ पे फ्री डिनर होता था ऑलमोस्ट हर दिन, और एक दिन ड्रिंक्स होती थी फ्री, आपको कुछ पे नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप उनको पे कर सकते हो या कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी दे डोंट आस्क फॉर इट। और सेकेंड चीज़, यहाँ पे वेजिटेरियन खाना बनता था, जो प्लस पॉइंट है जो भी वेजिटेरियन है उनके लिए। यहाँ पर आपको फ्री ट्रिप कराई जाती है, पे आपको हर दिन दोपहर में टूर गाइड आता है, और जिस जिसको इंटरेस्ट होता है जहाँ भी जाने का वो लेके जाता है। तो जो भी मैंने आपको ये जगह दिखाई ये सब ये लोग कवर करते हैं। वीडियो के अंत में हम आ गए हैं, मैं आपसे अलविदा, शब खैर, शुभ रात्रि एंड बोनुई बोलना चाहूँगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अस्ता ला विस्ता अमिगोस।